नमस्कार दर्शक मित्रों, कमोडिटी एक्सप्रेस में वायदा बाजार की खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नईमिश त्रिवेदी। देश के अग्रणी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर 15 जुलाई को कमोडिटी वायदाओं में 31,721.31 करोड़ का टर्नओवर दर्ज हुआ। एमसीएक्स आई कमोडिटीज कंपोजिट इंडेक्स 20.86 अंक बढ़कर 9,383.84 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि बुलियन इंडेक्स 0.82 अंक बढ़कर 14,832.50 और बेस मेटल इंडेक्स 16.60 अंक घटकर 10,927.77 के अंक के स्तर पर पहुंचा। कीमती धातुओं की बात करते हैं तो सोना चांदी के वायदाओं में के भाव में परस्पर विरुद्ध चाल देखने मिली। सोना घटा जबकि चांदी बढ़कर बंद हुई। वैश्विक स्तर पर सोना फिर से प्रति औंस 1800 डॉलर के पार करके 1807 डॉलर के स्तर पर पहुंचा, जबकि चांदी प्रति औंस 19.33 डॉलर बोली जा रही थी। अहमदाबाद हाजिर बाजार में सोना 99.50 के प्रति 10 ग्राम 50,600 और 99.90 के 50,800 हुआ था, जबकि चांदी 0.999 के 1000 रुपीज के उछाल के साथ 53,500 के स्तर पर पहुंची थी। मुंबई हाजिर बाजार की बात करते हैं तो मुंबई हाजिर सोना 99.50 के भाव बिना जीएसटी के 49,053 जबकि 99.90 के 49,250 के स्तर पर पहुंचा। मुंबई हाजिर चांदी 0.999 के बिना जीएसटी के प्रति किलोग्राम उछलकर 52,310 के स्तर को छूकर 52,195 हुई थी। जीएसटी के भाव इससे 3% ऊपर थे। अभी वायदा बाजार की बात करते हैं तो सोना का अगस्त वायदा प्रति 10 ग्राम 100 रुपया घटकर 49,159 के स्तर पर पहुंचा था, जबकि गोल्ड गिनी का जुलाई वायदा 23 रुपीज घटकर 8 ग्राम के भाव 39,630 हुआ था। गोल्ड पेटल जुलाई वायदा प्रति 1 ग्राम 9 रुपीज घटकर 4,910 हुआ, जबकि गोल्ड मिनी का अगस्त वायदा प्रति 10 ग्राम 95 घटकर 49,182 के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करते हैं, चांदी सितंबर वायदा प्रति 1 किलोग्राम 409 रुपीज घटकर 53,058 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि चांदी मिनी अगस्त वायदा 402 रुपीज बढ़कर 53,108 के स्तर पर बंद हुआ। चांदी माइक्रो का अगस्त वायदा 410 रुपया बढ़कर प्रति किलोग्राम 53,111 पर बंद हुआ। एनर्जी सेगमेंट की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल जुलाई वायदा प्रति बैरल 59 रुपीज बढ़कर 3,094 हुआ, जबकि नेचुरल गैस का जुलाई वायदा प्रति एमएमबीटीयू 1 रुपया और 20 पैसा बढ़कर 133.70 रुपीज के स्तर पर बंद हुआ। कृषि जिंसों की बात करते हैं तो रुई या कॉटन का जुलाई वायदा 60 रुपीज बढ़कर प्रति गांठ 16,090 रुपीज के स्तर पर बंद हुआ। कपास का अप्रैल वायदा 20 किलोग्राम के भाव 50 पैसा बढ़कर 971.50 रुपीज के स्तर पर बंद हुआ। सीपीओ जुलाई वायदा 4 रुपया और 40 पैसा बढ़कर 698.60 के भाव हुए। इलायची का जुलाई वायदा प्रति किलोग्राम 28 रुपया और 50 पैसा बढ़कर 1389.50 रुपीज के स्तर पर बंद हुआ। भेंथा ऑयल का जुलाई वायदा 5 रुपया और 40 पैसा घटकर 974.60 रुपीज के स्तर पर बंद हुआ। यह थी वायदा बाजार की खबरें। ऐसी खबरों के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।